और इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आदेश के खिलाफ मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। राजस्थान के स्कूलों में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जाहिर की है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार किसी को सूर्य नमस्कार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। याचिका में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने की बजाय वैकल्पिक करने की मांग की गई है। तो मुस्लिम बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की अपील भी की गई है और 15 फरवरी को ये जो सूर्य नमस्कार होना है, इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। तो एक एक करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया जाना, इसको लेकर अब बवाल हो रहा है, इसको सियासी रंग दी जा रही है। मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है, उनको इस बात से आपत्ति है कि नहीं, स्कूल में सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ये मामला पूरा पहुंच चुका है और हाई कोर्ट में आज इसी मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। हालांकि ये देश में कोई पहला मामला नहीं है राजस्थान से, इससे पहले भी जब भी सार्वजनिक जगहों पे या किसी स्कूल में इस तरीके से सूर्य नमस्कार की कोशिश की गई है तो वहां पे इसे यही एंगल मिला भी है। तो मुस्लिम संगठन जमीयते उलेमाए राजस्थान ने भजन लाल सरकार के फैसले को धार्मिक मामलों में गलत तरीके से हस्तक्षेप और संविधान के खिलाफ माना है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 15 फरवरी को पूरे राजस्थान में लाखों लोग सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सूर्य नमस्कार है, सरस्वती वंदना है, या अपना वो राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम है, ये सारी चीजें हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। सूर्य नमस्कार हिंदू धर्म के उसके अंदर ऐसी क्रियाएं और स्लोगन्स हैं जिनके जरिए से इबादत का रूप मिलता है। इस्लाम धर्म के अंदर जो है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, सूर्य की इबादत नहीं होती। राजस्थान सरकार जो है उसे धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। इस बारे में सूर्य नमस्कार को लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। राजस्थान भर में 15 फरवरी को 10:30 से 11:30 के बीच एक साथ लाखों लोग, जिसमें शिक्षा विभाग के विद्यार्थी हैं, कोचिंग क्लास के विद्यार्थी हैं, संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी, अधिकारी, निवासी, यहाँ के आमजन, चाहे राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, किसी भी संस्थाओं से जुड़े हो या न जुड़े हो, वो सबको सामूहिक आकर के और भगवान सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए।